नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम मनोहर लाल ने निकाय चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कहा, निकाय चुनाव में जीते प्रत्याशी को बधाई, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की होगी जीत। निकाय चुनाव में जीते प्रत्याशियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए के प्रत्याशी की जीत होगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बोले सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया, निकाय चुनाव में जीते प्रत्याशियों को लेकर कहा कि उन्हें बहुत बहुत बधाई, साथ ही साथ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कहा कि एनडीए के प्रत्याशी की ही जीत होगी। क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, आइए आपको सुनाते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात तो के स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए, 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं, कुल 46 इकाइयों का ये चुनाव था। और विशेषता इस चुनाव की ये थी कि सबसे पहली बार चेयरमैन का जो सीधा चुनाव हुआ है, और इस सीधे चुनाव का बहुत स्वागत किया गया। सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा ये मूव है, एक सफल मूव। और उसमें जब रिजल्ट आए हैं तो ये मानकर चले कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सब मिला करके और हमारी एक अच्छी मेजोरिटी, मैं समझता हूँ कि सब मिला के 28 यानी मोर देन 60%, ये रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के ही भाग गई है, और उनको तो कहीं ना भरोसा था कि भी हम कोई जीत पाएंगे, और इसलिए सिंबल दे करके उन्होंने अपने आप को कोशिश की है बचाने के, लेकिन बच नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया था। कोई भी कांग्रेस के द्वारा या उनके किसी नेता के द्वारा सपोर्टेड कोई कैंडिडेट जीत नहीं पाया, और एक अच्छे रिजल्ट के नाते से मैं हरियाणा की जनता को भी बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, और जो जीत करके आए हैं, चाहे चेयरमैन हैं चाहे पार्षद हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर, सरकार की जो कार्यशैली है 7-8 साल में जो काम हुआ है, और संगठन में आपकी बीजेपी हरियाणा के संगठन में जो जिस तरीके से संगठन की मैनेजमेंट की, उसी के बलबूते पर आप ये मानते हैं 7% से भी ज्यादा निकाय में आपको बड़ी वजह क्या है? देखिए, हमारा जो संगठन है वो बहुत नीचे तक, रूट लेवल तक, यानी पहले तो हम बूथ लेवल तक खड़ा करते थे, अब बूथ से भी आगे, उसके आगे पन्ना प्रमुख तक की इकाई हमने बनाई हुई है। और एक एक वोटर को संपर्क करना, एक एक परिवार को संपर्क करना, ये हमारे संगठन का एक मूल मंत्र है जो हरियाणा में भी है, सारे देश भर में भी है। और इस आधार पर ही हम लगातार पिछले कई वर्षों से हर चुनाव प्राय अच्छी मेजोरिटी से जीत करके आ रहे हैं, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों। हमारे 2 बाय इलेक्शन अगर हरियाणा में हुए हैं, उसमें भी रिजल्ट को हम छोड़ दें तो हम आगे बढ़ करके आए हैं, चाहे वो इलाहाबाद था चाहे बड़ौदा था, तो उसमें भी रिजल्ट हमारा पहले की अपेक्षा अच्छा आया है। और इस नाते से आगे की भी जो भी चुनाव होता है उसकी सफलता मिलती है, उसकी आगे के चुनाव पर उसका प्रभाव पड़ता है। आगे भी अब स्थानीय निकाय के चुनाव यानी पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद फिर जो बचे हुए नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगम हैं, उनके चुनाव आएंगे, फिर लोकसभा के आएंगे, विधानसभा के आएंगे। अगले 2-2.5 वर्ष तो लगातार चुनाव के ही रहने वाले हैं, इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि हरियाणा की जनता, उसको हमारे पर भरोसा है, हमारी नीतियों पर, हमारी उपलब्धियों पर, और इस भरोसे के आधार पर हमको निश्चित रूप से वो आगे मैंडेट देना। राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, कहीं ना कहीं मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने भी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इसको अप्रिशिएट किया और इसको कहीं ना कहीं बताया कि हरियाणा में किस तरह से आपका संगठन, आपकी सरकार ने एक बड़ी जीत की, और पूरे ऑल ओवर हरियाणा से बाहर निकल के भी राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे अप्रिशिएट किया। देखिए, ये चुनाव हैं, जीते हैं, उसकी अप्रिशिएशन मिली है। बल्कि इससे चंद दिन पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी केंद्रीय नेतृत्व ने इसको सराहा है, हमारा एक प्रकार से हमारी हाजिरी उसमें दर्ज हुई है कि हरियाणा के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी से पीछे हैं, हम सबसे आगे हैं। और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार चल रही है, और बाकी प्रदेशों में आगे बढ़ रहे हैं, और जिन प्रदेशों में कोई कमी भी रह गई है, वो भी एक एक प्रदेश किसी भी रूप में आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्दी आपको और अच्छे समाचार भी सुनने को मिलेंगे कि बिना चुनाव भी कुछ प्रदेशों में आगे बढ़ सकते हैं, तो इसलिए आगे बढ़ने का क्रम हमारा जारी है, लगातार हम बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा हमको पता है कि देश के राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो घोषित हो चुका है, उसका नामांकन अब हो रहा है, तो उस नामांकन के लिए देश भर के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबको नामांकन के लिए आह्वान किया जाता है। कल राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट के नाते मैडम
मुर्मू द्रौपदी मुर्मू उनका नामांकन कल होना है। तो आज उत्तर भारत के जितने हमारे विधायक सांसद हैं उनकी ओर से एक फार्म भरा जाना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के सभी विधायक सांसद उन एक यानी फॉर्म पर साइन करके तैयार करके कल लेकर के जाएंगे। इसी प्रकार दिल्ली में अलग से फार्म भरे जा रहे हैं, देशभर में बाकी जगह फार्म भरे जा रहे हैं और कल जो है नामांकन होगा और निश्चित रूप से यूपीए के नाते से एनडीए के नाते से जो भी मुकाबला होगा उस मुकाबले में एनडीए का हमारा कैंडिडेट निश्चित रूप से विजयी होंगे। हम कल कुछ मुख्यमंत्रियों को बुलाया है वहाँ, तो मुझे भी कहा गया है कि कल वहाँ प्रधानमंत्री जी कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री नामांकन के समय वहाँ से उपस्थित रहे, कल मैं वहाँ जाकर भाजपा कोई संयुक्त रैली भी प्लान कर रही है। इच्छाएं व्यक्त की हैं कुछ हमारे साथियों ने, हम भी चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर एक अच्छा बड़ा शो किया जाए। कब करेंगे और किस उपलक्ष्य